ओके, द लास्ट एक्सपेरिमेंट इज, देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन। तो अभी आपको पहला काम करना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर 0.2 मोलार डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड 0.1 मोलार सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। आपको ये दो सॉल्यूशन बनाने हैं। ओके, उसके बाद अगला एम क्या है, टू प्रिपेयर फोर डिफरेंट बफर सॉल्यूशन। वी हैव लर्न्ड इन SYBSE व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन। कोई बता सकता है बफर सॉल्यूशन क्या है? सर, जो पीएच को मेंटेन करते हैं। हाँ, जो पीएच को भागने नहीं देता है, पीएच को चेंज ज्यादा होने नहीं देता है। ध्यान रहे, पीएच थोड़ा सा चेंज होता है हमेशा, लेकिन जितना चेंज होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए, राइट? तो आपका एम क्या है? अब अगर आपको ये याद है तो बफर सॉल्यूशन किसे बनता था, किसी को मालूम है? याद है? याद है? ये सब आपको याद होने चाहिए, आप लोग केमिस्ट्री से मेजर कर रहे हैं। बफर सॉल्यूशन जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो एसिडिक बफर बोलते हैं, दूसरा बेसिक बफर बोलते हैं। कुछ याद आया? एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनता है, बेसिक बफर वीक बेस और उसके सॉल्ट से बनते हैं। यू शुड गो बैक एंड रीड तुम्हारा SYBSE का बफर वाला जो चैप्टर है, वो केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? तो एसिडिक बफर किससे बनता है? वीक अभी तो एसिड मैंने प्लस सॉल्ट, बोलो बेटा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट। वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, उसी का सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट नहीं। तो अभी आपने क्या किया है, एक सिट्रिक एसिड लिया है, सिट्रिक एसिड वीक एसिड है और उसका सॉल्ट लिया। ऑलराइट, सो इफ यू प्रिपेयर दिस, कंबाइन दिस टू, आपको बफर मिलेंगे। और कौन से रेशियो में आप कंबाइन करते हो उसके हिसाब से आपको अलग अलग टाइप के बफर मिलेंगे। कल हम लोगों ने जब पीएच मेट्री के बारे में बात की थी, हमने एक सॉल्यूशन के बारे में बात की थी जिसका पीएच आपको मालूम था। किसी को याद है कौन सा सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे? एक सॉल्यूशन था जिसका पीएच आपको मालूम था। कॉपर सल्फर, नहीं, पीएच मेट्री का स्टैंडर्डाइजेशन हमने किस सॉल्यूशन से किए थे? थैलेट, सर 0.05 पोटेशियम हाइड्रोजन एथिलेट, पैथेलेट नहीं, थैलेट, थैलेट बोलो इसको, ये पूरा साइलेंट हो जाता है बेटा, सिर्फ इतना पढ़ो। क्या पढ़ेंगे इसको? थैलेट। थैलेट। हाँ, पीएच है ही नहीं, ऐसा पकड़ो। ऑब्वियसली लिखते समय आप ये नहीं मान सकते कि पीएच नहीं है, लेकिन पढ़ते समय पीएच नहीं पढ़ते। इसका पीएच 4 था, आपको मालूम था ना, मैंने हमको आपको बताए थे आप कल, राइट? तो अभी हमारे पास पांच सॉल्यूशन है। कौन से पांच बफर्स हैं? चार बफर जो आपने बनाए, किसकी किसको मिला के बनाए आपने? चार बफर आपने कैसे किस कैसे बनाए? डाइसोडियम सिट्रिक हाइड्रोजन फॉस्फेट और किसको मिला के? एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इनको मिला के आपने कितने बफर बनाए? चार बफर, चार। चार लेट्स कॉल देम बी सी डी ई एंड आई हैव वन मोर बफर ए। ये कौन सा है? 0.05 मोलार पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। इसका पीएच तुमको मालूम है? सर। इसका पीएच तुमको मालूम है? इन सब के पीएच तुमको मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम है। ओके, आपके पास और एक सॉल्यूशन होगा एफ, जो कि आपको, जिसका भी आपको पीएच नहीं मालूम है। ये आपको एग्जाम में, आपको आमतौर पे आपको नहीं मिलेगा। ये चार आप बनाएंगे, एग्जामिनर आपको ये बना के देगा।
यहां तक समझ में आया? यस सर। तो अब देखिए, पहला काम है प्रिपरेशन ऑफ 0.2 मोलर डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो 25 ml में ये करके ये हो जाएगा। तो अगर आपने एग्जैक्टली इफ यू टेक दिस मेनी दीज मेनी ग्राम्स ऑफ डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ 250 ml, आपके पास कौन से सोल्यूशन हो गए? 0.2 मोलर। 0.2 मोलर डाइसोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन थलेट। सिट्रिक एसिड आपको 0.1 बनाना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, वगैरह वगैरह आप कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेशन करना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, तो अभी आपके दो सोल्यूशन बन गए बन गए जी सर। बन गए। अगला जो है प्रिपरेशन ऑफ बफर, दिस पार्ट इज वेरी इजी। देखिए आप इस क्या करेंगे, दोनों जो सोल्यूशन है उसको दो अलग अलग ब्यूरेट में डाल देंगे। इसमें आप क्या करेंगे, 20 कैसे बनाएंगे, 10.3 प्लस 39.7, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मिला के 50 हो रहा है। सी कैसे बनाएंगे, इसको 25.8 लेंगे, इसको 24.2 लेंगे, देखो ये भी 50 हो रहा है। सी डी कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ई कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। एफ कैसे बनाएंगे, अननोन वो है, तुमको नहीं मालूम होगा। सपोज एग्जामिनर ने 20 और 30 बनाए। देखो अभी आपको पहली बात ये मालूम होना चाहिए, 20 30 जो है बी सी डी ई में कहां पे बैठता है, किसके किसके बीच में बैठता है? बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में बैठ रहे थे, दिख रहा है? जो तुम्हारा जो रीडिंग आएगा वो बी और सी के बीच में आना चाहिए। ऑलराइट, सॉल्यूशन बन गए चार बफर्स, और पांचवा बफर कौन सा है, यस सर। पांचवा बफर कौन सा है? अननोन नहीं, एफ तो बफर नहीं है बेटा, दैट इज योर अननोन सॉल्यूशन। इसके अलावा और एक बफर क्यों है, हम लोग ने बी से क्यों शुरू किया? ए पोटेशियम ए ए क्या है, हाइड्रोजन थैलेट 0.05 मोलर 0.05 मोलर पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये आपको मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं। पोटेंशियोमीटर कहाँ है, ये मेरा पोटेंशियोमीटर। हर एक पोटेंशियोमीटर का ये अलग होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब ऑन करेंगे ना, जब इसको कैलिब्रेट करेंगे, इसको यहाँ पे 1.018 आएगा, ये नंबर याद रखो, 1.018 वोल्ट्स। ठीक है, अगेन वी विल डू दिस मोर अबाउट दिस। इसको हम लोग वेस्टर्न सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेल। वेस्टर्न सेल क्या है, उसका 1.018 कैसा होता है, ये हम लोग थियरी में देखेंगे। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट इफ यू वांट टू कैलिब्रेट, आप क्या करेंगे उसको, 1.018 फाइव है, ठीक है, फाइव और एक नंबर लेके आया, यहां तक लेके आएंगे, आपका स्टैंडर्डाइज हो गया। नाउ आप इसको कैसे सेटअप करेंगे, ऑल दिस इज कॉल्ड, दिस साइड इज कॉल्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं, तो लोगों को मालूम है कैलोमेल कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या है? हाँ ना, एनोड नहीं एनोड पॉजिटिव वगैरह नहीं, एनोड इसे कुछ मतलब नहीं है। कैलोमेल इलेक्ट्रोड तुम लोग कहीं पढ़े हैं क्या? टर्मिनल सर, सिर्फ नाम पढ़े हैं। कोई नहीं बेटा, ये सब है थियरी में, सब क्लासेस हैं, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ सब। तो हम लोग कैन ये तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, ओके यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसके बाजू में पोटेंशियोमीटर ऐसे भी होता है, हमारे पास दूसरा और एक पोटेंशियोमीटर है, वो ऐसा भी दिखता है, ऐसा ऐसा। तो उसमें एक में आप कैलोमेल डालेंगे, एक में आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डालेंगे। देखो एक में आपका इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम, और दूसरे में कौन सा है, हेलो मैम। कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल और एक क्वीन हाइड्रोन आपको डालना होता है। क्वीन हाइड्रोन जो है ना, ऐसा ब्लैक कलर का पाउडर होता है। ओके, तो देखो अभी आप यहां से शुरू करते हैं।
आप क्या करेंगे? यू टेक अबाउट 50 ml ऑफ 0.05 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ये तो आपको बना बनाया मिल जाएगा, उसमें आप क्विन हाइड्रोन पाउडर डालेंगे, उसको सैचुरेट करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, आपका ये बीकर है, इसमें आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया, 0.05 मोलर पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन थैलेट, राइट। इसमें आप क्या करेंगे, यू विल टेक अ पिंच ऑफ दिस क्विन हाइड्रोन पाउडर, यानी आप मुट्ठी में ये उंगली में थोड़े से ये डालेंगे, इसको यहाँ पे डालेंगे, एंड यू विल पुट अ मैग्नेटिक नीडल हियर एंड उसको झट से घुमा देंगे, तो उसे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आफ्टर दिस सॉल्यूशन इज, नाउ लेट्स रीड दिस। सो यू टेक 50 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, एड क्विन हाइड्रोन पाउडर एंड सॉल्यूशन को सैचुरेट बनाओ एंड मिक्स इट वेल। ओके, देन व्हाट यू डू इज यू पुट द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड कैलोमेल इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन। वो जैसे ऐड किया, बहुत इजी है, यहाँ पे आपको, ये तो कंडक्टिविटी मीटर है, अगर ये पोटेंशियोमीटर होता था तो यहाँ पे आपको उसका ईएमएफ दिख जाएगा, आपको उसका वोल्टेज दिख जाएगा। लाइक यहाँ पे भी इफ यू डू इट हियर, यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, ईएमएफ, राइट। सो नाउ लेट्स मेक अ टेबल। नाउ दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज ईएमएफ। पहला सॉल्यूशन मैंने क्या डाला था, 0.05 मोलर पोटेशियम हाइड्रोजन लेट्स टैबलेट। कॉल दिस ए, क्योंकि मैंने बी से शुरू किया, याद है। इसका ईएमएफ हम लोग यस, कैसे मेजर करेंगे, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर से। से। एक तो नंबर आएगा, लेट्स से मैं एक नंबर बता रहा हूँ, ये नंबर करीब भी नहीं है, मैं जस्ट एक तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। सपोज 10 वोल्ट आया, इसका पीएच तुमको मालूम है, हाँ ये 4 है। ओके, अभी आपके पास कितने सॉल्यूशन है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, राइट। ये 4 सॉल्यूशन का आपको कंपोजिशन मालूम है, इसका तुमको कंपोजिशन नहीं मालूम है। इसका हम लोग ईएमएफ कैसे निकालेंगे, आपने पोटेंशियल आपने वो पहले सॉल्यूशन लिया था, बनाया था, दो सिट्रिक एसिड और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को मिला के बी सॉल्यूशन बनाया था ना, उसको आप 50 ml ही बनाए थे, उसको आप एक बीकर में लेंगे, उसमें आप क्विन हाइड्रोन डालेंगे, उसको सैचुरेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर एक को करना पड़ेगा। क्विन हाइड्रोन डालेंगे, सैचुरेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें प्लेटिनम डालेंगे, कैलोमेल डालेंगे, पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी दी ईएमएफ ईएमएफ ऑफ विच सॉल्यूशन, बी। बी। ये कुछ तो नंबर आया, लेट्स से इसको 8 आया या 11 आया, पता नहीं, कुछ तो नंबर आएगा। यहाँ का वैल्यू कैसे निकालेंगे सना, आप बताएंगे बेटा, वो सॉल्यूशन को मतलब 50 ml वाटर डालेंगे डाइल्यूट नहीं, 50 ml करके। वाटर क्यों डालना है, अभी वो तो 85 ml था। देखो एक मिनट रुको, तुमने देखो ये सॉल्यूशन, जस्ट गो बैक, देखो सॉल्यूशन तुमने कितना वॉल्यूम बनाया, देखो हर एक सॉल्यूशन कितना बनाया है, 50 50 सर। 50। तो अभी उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं, पानी हम लोग क्यों डाल रहे थे, व्हाई डिड वी पुट वाटर, इसको सैचुरेट करने के नहीं पानी हम लोग क्यों डालते थे, लिए इलेक्ट्रोड को डिप करने के लिए। इलेक्ट्रोड को कहीं डिप करने के लिए, 50 ml तो इलेक्ट्रोड डिप होगा कि नहीं होगा, हो हो जाएगा, तो अभी पानी डालने की जरूरत है नहीं नहीं, वैसे भी पानी डालने से पीएच चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे पानी डालना ही नहीं, इसलिए हमने 50 सॉल्यूशन 50 ml बनाए। अब बताओ बेटा ये नंबर कैसे आएगा, फिर इसमें क्विन हाइड्रोन डालेंगे सर, क्विन हाइड्रोन पाउडर डालेंगे, उसके बाद उसके बाद दो इलेक्ट्रोड डालेंगे कैलोमल और प्लैटिनम, प्लैटिनम, फिर उसे कनेक्ट और करेंगे तो नंबर आ जाएगा ईएमएफ। आया समझ में जी सर। अशफाक, ये नंबर कैसे डालेंगे हम लोग यहाँ पे,
50 ml सॉल्यूशन लेंगे, कौन सा उसमें सोल्यूशन? सी वाले का, डी ना, अब डी हम डी वाले कर, का, हाँ डी कर रहे हैं, तो आप डी लेंगे डी उसके वाले बाद। हाँ उसका 50 ml सॉल्यूशन लेंगे, उसमें क्विनहाइड्रिन पिंच पाउडर डालेंगे हाँ और उसमें पिंच इलेक्ट्रोड यानी, पिंच यानी चुट्टी भर, क्या थोड़ा बोलते सा हैं उसको, क्या बोलते हैं, मुट्ठी भर क्या बोलते हैं, नहीं चुटकी भर, चुटकी सर। भर, राइट। हाँ सर, हाँ चुटकी भर क्वीन हाइड्रोन डालेंगे हाँ पाउडर और फिर उसको मतलब स्टेयर ऐसा नहीं कि करेंगे एक ब्लड। चम्मच है तो पूरा का पूरा चम्मच डालना, ऐसा नहीं, वो बहुत आसानी से क्विन हाइड्रोन सैचुरेट होता है। ऑलराइट right? यस सर, वो हाँ उसके डालने के बाद, बाद हम उसको मैग्नेटिक स्टेयर से उसको मिक्स करेंगे, फिर हाँ उसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे प्लैटिनियम और कैलोमेल, फिर उसका करेक्ट हम EMF फंड करेंगे। करेक्ट, वैसे आप ई भी कर सकते हो, यस सर, वैसे वह एफ भी कर सकते हो। यस सर, तो अगर आप ये देखे तो आप भी, नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू फिल दिस अप। अब ये जो है, दे शुड नॉट बी जी, दे शुड बी ए। इसका ई एम एफ है, 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 इसका ई एम एफ है। नाउ लेट्स जस्ट एक्सटेंड दिस, ये तुम लोग को ये बनाना नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। इसमें से पीएच किसका मालूम है? एक ए का। एक कितना है? चार फोर ये 4 है, बाकी सब अननोन है, लेकिन बाकी सबके तुम्हारे पास यहां पे नंबर है कि नहीं है? कैसे यहां पे नंबर है, दिस नंबर्स आर देयर, राइट। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू द कैलकुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेजर द टेम्परेचर, बिकॉज EMF is a EMF टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आपको टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। EMF ऑफ 0.05, एक्चुअली ये जो ए वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, डाल सकते हैं, यही लिखा है ना, क्या लिखा है देखो, EMF ऑफ सॉल्यूशन ए, तो आप एक्चुअली सॉल्यूशन ए किया, तो ये हटा दो, तुम्हारा ये जो है यहाँ तक ही रहने दो, ठीक है। नाउ सर। अभी हमारे पास ये देखो, ये यहाँ ध्यान रखो, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, हमारे पास ये सॉल्यूशन है देखो, ये इक्वेशन है, पीएच इज इक्वल टू दिस दिस। नाउ इफ यू टेक सॉल्यूशन ए, नाउ लेट्स सी इसमें हम लोगों को क्या क्या मालूम है। इफ यू टेक सॉल्यूशन ए, ये मालूम है तुमको? ओके ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इज वी नो दिस, ये तुमको मालूम है, ये कहां से मालूम है? पोटेंशियल मीटर पोटेंशियोमीटर से। यू नो दिस, सो लेट मी जस्ट लाल से ये करता हूं, जो आपको मालूम है, आपको ये मालूम है फॉर सॉल्यूशन ए, फॉर सॉल्यूशन ए है, ध्यान रखो ए के लिए आपको ये मालूम है, ये सर, मालूम है, यस सर, ये मालूम है, सर। ये आर है, ये तो कांस्टेंट है, टी आपने मेजर किया था, एफ फैराडे कांस्टेंट है, ये मालूम है, यस तो आप ये निकाल सकते हो। सर, यस सर, तो ये जो वैल्यू पुट करके यहाँ पे ये नंबर आया है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, दिस नंबर इज 0.699, आपका टेम्परेचर जो है सो है वगैरह वगैरह डाल के ये कैलकुलेट किया है, दिस इज दिस नंबर, ओके। नाउ फॉर सॉल्यूशन बी, नाउ लेट्स डू दिस। सॉल्यूशन बी के लिए हमको क्या क्या मालूम है, आप बताओ, सॉल्यूशन बी के ये तुमको मालूम है? नहीं नहीं मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, सर, मालूम ये मालूम है, है, यस ये मालूम है कि नहीं है? मालूम है सर, कहाँ से मालूम है? अभी नहीं सर आया एक के सॉल्यूशन। हाँ, हमने जो सॉल्यूशन ए से निकाला है वो यहाँ पे डालेंगे, तो आप पीएच निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते तो सर, देखिए अभी, नाउ लेट्स गो बैक टू योर ये टेबल। तो अगर मैंने इसको ऐसा किया, पीएच
तो यहाँ पे आप ये वैल्यू डाल सकते हो, हाँ सर, कैलकुलेट हो जाएगा। ओके यस okay. सर, तो आपको क्या करना है, पहला सोल्यूशन ए से ध्यान रखो, आप पीएच मालूम है तो आप वहां से ई कैलकुलेट करेंगे। नाउ रिमेंबर दिस ई कैल जो है, ये ई कैल डालेंगे, हर बार ई कैल चेंज नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो गड़बड़ करते हैं, तो हर बार आपको क्या करना है, ई कैल सेम ई कैल रहेगा। सॉल्यूशन ए बी सी डी के लिए इसमें कौन सा टर्म चेंज होगा, ईएमएफ ऑब्जर्व आपका सिर्फ ये चेंज होगा, ध्यान रखो ये सबके लिए सेम रहेगा। ये कहां से आएगा, सॉल्यूशन ए से। ए अगर वो आपको मालूम है तो आप ये भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, ये रिजल्टेबल है, से बस खत्म। इज ओके okay?